दोस्तों आसन मात्र अंगों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह इससे कई गुना अधिक है। यदि हम आसनों के बारे में जाने तो प्राणिक ऊर्जा और प्रतिरोधक क्षमता का जो विकास है वह हठ योग के द्वारा माना जाता है। आसन, प्राणायाम, मूल बंध आदि से माना जाता है। आसनों से शरीर में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, संयम आता है। उपनिषदों में जो आसन कहे गए हैं, और वे आसन जो है वह ध्यानात्मक आसन है, और यह सिद्धासन हो या पद्मासन हो, भद्रासन या फिर सिंहासन, ये आसन जो है यह उच्च अभ्यास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि यह उच्च अभ्यास यानी कि उच्च कोटि दर्जे पे पहुंचने के लिए इन आसनों का अभ्यास किया जाता है। और आसनों के साथ सजगता और ध्यान इस बात का कि आसन सही लग पा रहा है या नहीं, इस चीज का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है हठ योग प्रक्रिया में। तो दोस्तों आसन सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए नहीं होता है, बल्कि इससे कई गुना अधिक होता है। इसीलिए सिर्फ शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान न दे करके मानसिक और आध्यात्मिक चीजों पे भी ध्यान देना है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों ही तालमेल सही तरीके से बैठा सके और उच्च लेवल तक हम पहुंच सके, उच्च गुणवत्ता को हम प्राप्त कर सके। और हठ योग का मतलब ये होता है, हठ यानी कि उसे विधि पूर्वक सिद्ध करना। तो आसनों को आज के बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि कुछ और करने के लिए कीजिए। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आसन में बैठ जाना, इसे आसन नहीं कहते। आसन का मतलब होता है किसी भी एक आसन में कई घंटों तक बैठे रहना। जब आप कई घंटों तक बैठे रह जाते हैं इन आसनों में, तब सिद्ध हो जाता है कि आप इस अवस्था में इतनी देर तक रह सकते हैं, उसी को आसन कहा जाता है। वैसे वाला आसन नहीं कि एक बार पद्मासन कर लिया, वज्रासन कर लिया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड बदल बदल करके हर तरीके से हमने फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू सारे आसन कर लिए, ये आसन नहीं है, ये सब एक्सरसाइज हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप जान सकते हैं हठ योग के बारे में और आसनों के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें आपको आसन से जुड़े और भी तमाम जानकारियां मिल सकती है, प्राणायाम से जुड़े। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से।